सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोट साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है सभी एनसीईआरटी साइंस के सभी क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ के चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, सो आज जो मैंने इससे पहले क्लास एट्थ के जो एनसीईआरटी साइंस है उसके चैप्टर वन किस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और चैप्टर टू को मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने चैप्टर टू की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है पहले जाके देख लीजिए, तब आपको एक्सरसाइजेस बहुत इजी लगेंगे क्योंकि एक्सरसाइजेस आपके चैप्टर से ही बनती हैं। ठीक है, आप आंसर खुद भी दे सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया सिक्स तो सेवन्थ में सिक्स क्लास में मैंने वन टू सेवन चैप्टर विद द एक्सरसाइजेस, सेवन्थ का एक्सरसाइज नहीं कराई है, विद द एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर दिया है, और क्लास वन टू चैप्टर वन टू थ्री क्लास सेवन्थ की भी मैंने अपलोड कर दी है। आप इन सबको एक्सेस करने के लिए विद द एक्सरसाइजेज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप जानते ही हैं यूट्यूब में, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको सारी आप आसानी से वीडियो पा पाएंगे। और कोई मैं नई वीडियो जैसे ही डालूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने इतने चैप्टर्स डाले, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप इनको आसानी से देख पाएंगे और आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसके अलावा मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक भी ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत बहुत ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सरसाइजेस को, बहुत ही आसान भाषा में एक्सरसाइजेस को। एक मिनट रुकिएगा, एक्सरसाइजेस लगा दूं मैं पेज, ये रहा। ओके, तो एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है, सबसे पहले बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका सबसे, ये आप बुक में देखिएगा तो पूछ रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ आ, तो मैंने आपको तब भी बताया था इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी कि हम तीन तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, एक तो प्लांट था, दूसरा एनिमल जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स जितने भी आते हैं, और तीसरा आपके लिए कैटेगरी कौन सी थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनको आप देख नहीं सकते नेकेड आई से। ठीक है, नेकेड का मतलब है कि नॉर्मल आंखों से आप नहीं देख सकते इनको, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या फिर कुछ थोड़े से बड़े होते हैं जिनको देखने के लिए आपको लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो विद द हेल्प ऑफ आ, सबसे पहला क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसलिए इसका सबसे पहले आंसर क्या है, माइक्रोस्कोप। ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते समय ही बताया था, माइक्रोस्कोप से ही आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा जो था ब्लू ग्रीन एल्गे क्या फिक्स करता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे को मैं आपको दिखा भी दूँ, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में बताया गया था आपको। ठीक है, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं प्लांट डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन उसको नहीं लेते, ये ब्लू ग्रीन एल्गे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं कि इनको नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन वाला फॉर्म जब बना देते हैं तब प्लांट इनको लेते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे की बात हो रही है। सो यही ब्लू ग्रीन एल्गे में हमें आंसर में क्या लिखना है, एक मिनट रुकिएगा, यस ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर से टू इन्हांस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये कल ही पढ़ा था, तो इसका आंसर इसीलिए क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल किसकी मदद से, हम लोगों ने कल ही मैंने कहा था आप अल्कोहल बनाना सीख जाओगे, जहाँ पर हमने बात की थी कि शुगर प्लस ईस्ट जब मिलाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है और हमें अल्कोहल मिलता है। याद दिलाने के लिए मैं बार बार आपको चैप्टर के पास इसलिए जा रही हूँ, ये देखिए, तो शुगर प्लस ईस्ट जब मिलाते थे, ईस्ट मेन क्या है कि किससे बनता है, ईस्ट की वजह से, ईस्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फंगाई है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसलिए अल्कोहल हमको मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ईस्ट की मदद से ही, वरना ईस्ट ही है जो मेन कारण है यहाँ पे, तो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी चीज़ है कि जो कॉलेरा है वो किसकी वजह से होता है, तो कुछ बीमारियां ह्यूमंस में मैंने आपको दिखाई थी जिसमें कि कॉज बताया था किसकी वजह से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ये आपका कॉलेरा है, यहाँ सबके हैं तो आप सबको एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा। तो कॉलेरा किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैक्टीरिया, तो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चैप्टर को देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो पहले चैप्टर समझ लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तभी इस पे आइएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँ कि यहीं पर आप चीज़ें समझ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टू में ए बी सी डी ई एफ तक दिया है, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये। तो ईस्ट जो है वो क्यों वो यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ वॉट। तो अभी आपने देखा ईस्ट किस लिए होता है, देखिए शुगर के प्रोडक्शन है, शुगर के साथ मिलकर ईस्ट एल्कोहल बनाता है, इसलिए शुगर आंसर नहीं होगा। अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल को बनाने के लिए ईस्ट हम डालते हैं, ना तो ऑक्सीजन ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा, ईस्ट की मदद से प्रोडक्शन किसका हम करते हैं, अल्कोहल का, और जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल का ईस्ट की मदद से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इसमें से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। अगर मैं आपको दिखा दूं एंटीबायोटिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली वाले में ये सारी चीज़ें थी, जब आप एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। बस एक मिनट रुकिएगा, मेडिसिनल यूज़ में, ठीक है। तो मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल था, क्योंकि ये सब मिलते बनते किससे थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो कुछ मैंने आपको दिखाया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके ऑप्शन में दिया है, ये आपकी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और नाम भी आपने काफ़ी हद तक सुना होगा। तो क्वेश्चन में यही सवाल पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही आपकी एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट बात करें जो कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, तो मलेरिया कौन कॉज करता है, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज होती हैं, जिनको मैंने आपको दिखाया भी था। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज को नहीं याद हो तो फिर से दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, यही कैरियर्स हैं मलेरिया के। मलेरिया से कैसे प्रिवेंशन करें, इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है, तो वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, तो और दूसरी बात हमने कही थी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बात करें तो जो डिजीज़ फैलाने का सबसे ज़्यादा काम कौन करती है, तो हम लोगों ने बात की थी हाउस फ्लाई। मक्खियाँ क्या करती हैं, गंदी जगह बैठती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आती हैं, और फिर आपका खाना अगर खुला हुआ है या कोई भी चीज़ खाने वाली है पीने वाली है उस पर अगर बैठ जाएंगी, उसके बाद अपना तो उड़ जाती हैं, पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गंदी चीज़ें वो यहाँ छोड़ जाती हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं आपके शरीर में जाते हैं और आपको हार्म पहुँचाते हैं। तो आंसर क्या था, उन्होंने हाउस फ्लाई की ही बात की थी, मोस्ट कॉमन जो कैरियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ब्रेड और इडली जो है वो जो है राइस करते हैं बिकॉज ऑफ, तो ईस्ट ग्रोथ हो रही होती है इसी के लिए। इस पर पूरा एग्जांपल था कि जो पूरी बेकिंग इंडस्ट्री है वो भी इसी पे है। फुलाने का काम जो है वो हमारा क्या करता है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेड वाला कहाँ गया एग्जाम्पल, आपको ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डो लिया था और मैदा को देखा था, तो ये कैसे फूल गया था, इसमें ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डालते ही क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, यानी कि खमीर उठता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस लेता है, इसलिए ये फूल जाता है। तो ब्रेड वाले ही कंसिडरेशन में हम लोगों ने बात की हुई थी कि देखिए ईस्ट हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज हैं। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा। सो ये था कि तो क्या हुआ कि ईस्ट सेल की ग्रोथ की वजह से, इनकी वजह से मल्टीप्लाई होते हैं, डो हमारा राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन किस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये था ही कि शुगर का अल्कोहल में ईस्ट जब डालते हैं तो शुगर, अभी दिखाया भी था मैंने, प्लस जब हम ईस्ट डालते हैं तो हमें अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक। यहाँ मैंने एक साथ सबके आंसर लिख दिए हैं कि ए का सेकेंड था, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, ई का थर्ड और एफ का भी थर्ड। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में आंसर्स को लगा पाए, साथ साथ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैच द फॉलोइंग आपके में आया हुआ है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे था, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात करें यहाँ कुछ आपके मैच द फॉलोइंग्स हैं और आपको क्या रखना है कि इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वायरस दो बार आ गया है तो इसको जरा सा ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया इनमें से किससे मैच करेगा, तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है। तो बैक्टीरिया सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि कर्ड जो है आपका दही जो है वो बैक्टीरिया ही बनाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया खूब सारे मल्टीप्लाई होते हैं और दही का फॉर्मेशन करते हैं। दही में आपको पता है बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया किसका फॉर्मेशन करता है, कर्ड का।
अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो राइजोबियम, राइजोबियम या बार बार पढ़ चुके हैं, लेग्यूम्स वाली जितनी क्रॉप्स होती हैं, जैसे दाले वाले जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, उनमें क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है ग्रीन ब्लू एल्गी के अलावा। ऐसा नहीं सिर्फ एक बैक्टीरिया यहाँ काम करते हैं, राइजोबियम क्या होता है, उनके रूट्स पे लगा होता है, मैंने सेवन्थ क्लास में भी बता रखा है, आपने सेवन्थ में भी पढ़ा होगा, आई थिंक सिक्स्थ में भी इसका डिस्कशन है और एट्थ में वापस से है। तो राइजोबियम, और इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये बैक्टीरिया फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो है, एक मिनट माफ करिएगा, लैक्टोबैसिलस जो है हमारा, वो था हमारा कर्ड के लिए, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लैक्टोबैसिलस आपका कर्ड बनाने के लिए, ये मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहीं पर, ये बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये देखिए लैक्टोबैसिलस है जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए हमको लैक्टोबैसिलस ही लगाना है, ये बैक्टीरिया भी बीमारी के लिए हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो सो सॉरी आपको दोबारा से, मैं एक मिनट, तो मैं ये दोबारा से रब कर देती हूँ, फिर से आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो बैक्टीरिया नहीं, हम पहले कह रहे हैं राइजोबियम आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, लैक्टोबैसिलस आपका कर्ड बनाता है, यीस्ट आपको पता है कि ब्रेड बनाने में मदद करता है, पूरी बेकिंग इंडस्ट्रीज पे चलती है, फुलाने का काम करता है। अगर बात करें, अब देखिए तो अब हमारे पास बीमारियां हैं कौन कौन सी, क्या करता है, तो बैक्टीरिया फटाफट देख लेते हैं कि क्या करता है, मलेरिया, कॉलरा, तो आप अभी पर देख चुके हो, अभी फिलिंदा ब्लैंक्स में भी आपने देखा है, तो कॉलरा करता है, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगी दोबारा से, चलिए आपको दिखाई देते हैं वो वाली, यहाँ ह्यूमन्स वाला था, तो आप देख रहे हैं मलेरिया जो है वो, सॉरी कॉलरा जो है आपका बैक्टीरिया करता है, ये हम लोग ने मिला बना लिया। अब मलेरिया जो आएगा वहाँ प्रोटोजोआ है, और अगर प्रोटोजोआ को पहले कर देते हैं, और वायरस में अगर इनमें से कोई भी है, मिजल्स, चिकन पॉक्स या पोलियो, तो इनमें हम कर देंगे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो हमारी क्या है, सो सबसे पहले हम बात करें तो प्रोटोजोआन में, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया, ठीक है, तो मलेरिया पे लगा दिया। बैक्टीरिया मैंने बोला ही था कि कॉलरा है, और वायरस जो है वो एड्स भी वायरस है, तो इस पर हमने लगा दिया, ठीक है। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो किसी से भी मैच नहीं होगा, ज़रूरी नहीं आप सबसे मैच करोगे, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ चीज़ें जो हमने कर दी। हाँ, मैंने आंसर भी लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले दें कि बैक्टीरिया जो है वो कॉलरा कॉज करता है, राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस कर्ड, यीस्ट ब्रेड में, प्रोटोजोआन मलेरिया, और वायरस जो है वो कॉजिंग एड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो बात यही थी, नेकेड आई से इन्हें नहीं देखा जा सकता है, आपको या तो क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस चाहिए या माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसीलिए आप देख ही पाते होते, तो आपको यहाँ चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका नाम रखना क्यों पड़ता है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्लांट एनिमल्स के अलावा स्पेशली इनका नाम रखा गया, क्योंकि आप देख नहीं सकते, ऐसे आप इनको खा भी सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और द माइक्रोस्कोप, पर ये जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की है इन्होंने, फंगस जो ब्रेड पे लग जाती है, इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब फंगस जो लग गई है आपको वाइट वाइट कलर का दिखेगा, बट आप क्या करोगे कि उसके अंदर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आप माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाओगे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आंसर अच्छी तरह लिख लो, लर्न कर सकते हो आंसर को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा अगर आप लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स की मैंने चैप्टर में ही बात करी थी, पूरे 5 मेजर ग्रुप्स हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया है, ये सिंगल सेल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंगाई की बात करें तो ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो मेनली सच एज अमीमा और प्लास्मोडियम की बात की थी। वायरसेस भी क्या हैं हमारे, माइक्रोब्स हैं, और एल्गे भी हमारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इनकी मैंने तभी आपको लिखा था, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरस। आपको मेन नाम लिखने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पर डिटेल में लिखने की, दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में सिर्फ इतना था, 5 मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, ठीक है। तो ये थे 5 मेजर आपके ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात करें तो 10 लाइंस आपको लिखनी है यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी लाइफ में यूजफुल है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंड भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कई कई जगहों पे, और कुछ जगहों पे हमें डिजीज कॉज करता है। लेकिन आपको क्या करना है, कितना यूजफुल है हमारी लाइफ में, तो सारे वही पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो। किस लिए होता है, कर्ड की प्रिपरेशन, ब्रेड और पेस्ट्री के लिए सबसे पहला यूज़, तो इसका सबसे पहले यही पढ़ा था हमने। इसके अलावा क्या है, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी वेनेगर को बनाने के लिए भी है। ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, ये भी पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है।
एंटीबायोटिक्स में ये क्या करता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करता है ताकि डिजीज़ को किल कर रखे। पेनिसिलिन एक ऐसी ही एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करें, कुछ माइक्रोस्कोप्स यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, वैक्सीन के अंदर, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में जो कि हमारा डाइजेशन कराते हैं। अपने इससे पहले डाइजेशन ह्यूमन बॉडी का देखा हुआ है, तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो बैक्टीरिया क्या करते हैं स्टमक के अंदर होते हैं और हमारे डाइजेशन को कराते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में भी काम आते हैं। ईस्ट को हम इडली भटूरा ब्रेड पेस्ट्री सब में काम कराते हैं। और दसवां क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ पिकल्स अचार वचार बनाने के लिए अदर फूड आइटम्स। तो आप इतना देख रहे हो, 10 आपको अच्छे अच्छे लिख देने हैं पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि आप अच्छी तरह से लिख लो ढूंढ के बढ़िया से, ठीक है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है जो हार्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। अभी तक था कि आपने देखा कि क्या यूज़ है और क्या हार्म है, पूरे चैप्टर का सारांश है, ठीक है। तो हार्म कैसे करता है कि कुछ एनिमल्स डिजीजेस कॉज करता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरिया कॉजिंग जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, कॉलरा, टाइफॉइड करता है। कैटल के अंदर फूट और माउथ डिजीज करता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें। और प्लांट के अंदर क्या है, वीट और ऑरेंज एप्पल को करता है। कुछ एंटर कर जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, हमें क्या करते हैं फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस है हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। और ये आपको पूरा पैराग्राफ में लिखने से मैंने तोड़ तोड़ के नहीं लिखा है, आपको पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे सब समझ में आएगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें की हैं वो बिल्कुल ही आसान भाषा में यहाँ पर रखी हुई, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ, मैंने आसान भाषा में समझा रखा है, तो आप चीज़ें कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या थी, मेडिसिंस थी जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है, और वो इसलिए बनी है दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के बैक्टीरिया होंगे जो इसके हमारे एंटीबायोटिक के अंदर होंगे, वो इसके एंटी होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या होगा, इसके अंदर हमारी मान लीजिए गोली, इसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अच्छे हैं, जो इसके एंटी हैं, इसके दुश्मन हैं। तो जब इसको हम डालेंगे अपनी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएंगे, तो ये क्या होगा, दोनों लड़ेंगे आपस में, और लड़ेंगे तो ये इसकी ग्रोथ को और इसकी जो कैपेसिटी है हमें ख़राब करने की उसको वीक करेगा और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देगा। इस तरह एंटीबायोटिक हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बात है दी, इसीलिए कहा है एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन आर कॉमनली बैक्टीरिया और फंगाई से बनते हैं। एग्जाम्पल थे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन एटसेट्रा, ये आपके कॉमन एंटीबायोटिक थे। प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एंटीबायोटिक को लेना। शुड टेकन अंडर द केवल आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर जब तक आपसे ना कहें, आप अपने आप नहीं लेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर जब तक ना कहें आपसे। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड, और जो कोर्स आपको बताया, सपोज करिए अगर 7 दिन आपसे कहा है तो आपको पूरे 7 दिन खानी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपने मान लीजिए 6 दिन खाया, वापस अगर आपको फीवर आ रहा है तो फिर आ जाएगा, क्योंकि आपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि एक को मारने के लिए कुछ दिन चाहिए एक एंटीबायोटिक को, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो बेचारा थोड़ा बस अधमरा था और आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फिर से जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि जो कोर्स है वो डॉक्टर ने बताया उस प्रिस्क्रिप्शन को आपको अच्छी तरह लेना है। तो आप पहले एक कोर्स पूरा रन करवाएंगे। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट होना चाहिए, सही समय पर लेनी है। ऐसा नहीं है कि 5 बजे आपको 4-4 घंटे पे कहा है और आप क्या कर रहे हो कि 8-8 घंटे पे ले रहे हो, अपने आप नहीं करोगे, जो पर्टिकुलर टाइम उसको करना है। रॉन्ग डोज जो आप लोगे, तो माली ज़्यादा ले लिए तो इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेस कंजम्पशन आपको मार भी सकता है, मे किल द यूज़फुल बैक्टीरिया, सॉरी कंजम्पशन जो ड्रग का है वो आपको क्या कर सकता है, आपके बैक्टीरिया जो यूज़फुल है उनको भी मार सकता है। इसलिए ज़्यादा भी आपको नहीं लेनी है, जो अच्छे हैं वो भी मर जाएंगे इससे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की, चैप्टर मैंने इससे भी आसान भाषा में आपको पूरा समझाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।